हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग केयर। दोस्तों, अक्सर डायपर्स को लेकर कई तरह की क्वेरीज, कई तरह के कंफ्यूजन बने होते हैं। क्या न्यू बॉर्न बेबी को डायपर पहनाना चाहिए, क्या छोटे बच्चे को डायपर पहनाना चाहिए, क्या रेगुलर पहनाना चाहिए, और भी इस तरह की कई क्वेरीज। सो बेसिकली आज की वीडियो बच्चों को डायपर पहनाने से ही है। आज हम जानेंगे क्या न्यू बॉर्न बेबी को या छोटे बच्चे को डायपर पहनाना चाहिए, और अगर हाँ तो कब और कैसे। सो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यू बॉर्न बच्चों की बात करेंगे, न्यू बॉर्न बेबीज की बात करेंगे। सी, न्यू बॉर्न बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, उनकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है, इनफैक्ट इमेच्योर होती है। ऐसे में बच्चों को डायपर लगाने से या डायपर पहनाने से उनके स्किन पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बच्चों की स्किन पर रैशेज जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो डायपर में एक प्लास्टिक की लेयर भी होती है जो हवा को पास नहीं होने देती है, जिसकी वजह से बच्चे की स्किन पर इन्फेक्शन हो जाता है। सो एटलीस्ट जब तक बच्चा 1 मंथ का ना हो जाए, आप ट्राई करें कि बच्चे के लिए डायपर को अवॉइड कीजिए। बट यस, अगर आपको वैक्सीनेशन के लिए या किसी और काम से बच्चे को बाहर ले जाना पड़ रहा है तो आप बच्चे को डायपर पहना सकते हैं। बट आप डायपर पहनाने के बाद बबच्चे के डायपर को रेगुलर चेक करते रहें। 2 से 3 घंटे के डिफरेंस पर आप डायपर को जरूर चेंज कर दें, बच्चे को नया डायपर पहनाएं, इससे बच्चे को रैशेज जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर बच्चे ने पॉटी किया है तो आप तुरंत बच्चे के डायपर को जरूर चेंज कर दें, भले आपने बच्चे को अभी अभी नया डायपर क्यों ना पहनाया हो। सो 1 मंथ तक आप अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए डायपर की जगह कॉटन के कपड़े की लिगोट का यूज करें, इसमें बच्चे कम्फर्ट रहते हैं, बच्चे को रैशेज जैसी प्रॉब्लम नहीं आती है। आफ्टर 1 मंथ आप अपने बच्चे के लिए इजिली किसी भी अच्छे डायपर का यूज कर सकते हैं। अगर गर्मियों का दिन है तो आप ट्राई करें कि केवल नाइट में ही बच्चों को आप डायपर पहनाएं, दिन में आप बच्चों को कपड़े के कॉटन की लंगोट पहनाएं, वो भी रेगुलर नहीं, कुछ टाइम के लिए आप बच्चे की स्किन को ओपन ही छोड़ दें, बच्चे को खुला रहने दें, जिससे बच्चे के जान के आसपास जो स्वेटिंग वगैरह होती है वो सब ड्राई हो जाए। बट अगर गर्मी के टाइम दिन में भी आप अपने बच्चे को डायपर में रखना चाहती हैं, किसी रीजन से आप खुद बच्चे का टेक केयर नहीं कर पा रही हैं, तो आप बच्चे को डायपर पहना सकती हैं। बट मेक श्योर कि बेबी को डायपर पहनाने के बाद 2 से 3 घंटे के डिफरेंस पर आप बच्चे के डायपर को जरूर चेंज कर दें। जब आप बच्चे के डायपर को चेंज करें तो कुछ समय तक बच्चे को ओपन ही रहने दें, फिर नया डायपर बच्चे को पहनाएं। साथ ही बच्चे को नया डायपर पहनाने के बाद आप बच्चे के डायपर को रेगुलर चेक करते रहें, अगर बच्चे ने पॉटी किया है तो आप बच्चे के डायपर को तुरंत इमीडिएट चेंज करें। अब अगर विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में बच्चों के लिए कपड़े का लिंगोट सही नहीं होता है, क्योंकि बच्चे फ्रिक्वेंटली टॉयलेट करते रहते हैं। अगर बच्चे ने टॉयलेट कर दिया, आपने नहीं देखा, उसे टाइम से चेंज नहीं किया, तो ज़्यादा देर तक गीलेपन में रहने से बच्चे को कोल्ड कफ और फीवर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चा बीमार पड़ जाता है। सो विंटर सीजन में आप बच्चे के लिए डायपर का ही यूज़ कीजिए। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप बच्चे को एक ही डायपर में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ना रखें, बच्चे के डायपर को आप हर 2 से 3 घंटे के डिफरेंस पर जरूर चेंज कर दें। एंड बच्चे ने अगर पॉटी किया है तो उसे आप इमीडिएट चेंज करें, बच्चे को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाने के लिए।